हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो को सबसे पहले मैं छत पर शूट कर रहा हूँ, तो आपको नॉइज़ वगैरह आ सकता है। और इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही महंगा माइक और ट्राइपॉड मंगाया यूट्यूब की कमाई से। वो माइक कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी, सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले आप उस माइक का सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे गाइस। माइक और ट्रैपोड इसी बॉक्स के अंदर आया था। सबसे पहले इसको साइड करते हैं, और यहाँ पे हमारा पाव फिल्टर और पाउच आ चुका है। पाव फिल्टर काफ़ी अच्छा है, नॉइस पोल्यूशन को ख़त्म कर देता है। और देखते हैं पाउच के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर निकलता है हमारा डाटा केबल, जो हमारे माइक में और फ़ोन के अंदर अटैच हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारा होल्टर निकलता है, ये हमारे मतलब ट्राइपॉड में भी अटैच हो जाएगा। और ये हमारा माइक है, माइक में 3.5 mm का जैक यहाँ पे लग जाता है। इसको भी साइड करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारा एक और केबल निकलते हैं, ये हमारे DSLR में भी सपोर्ट करता है, ये वाला माइक तो उसी की ये केबल है। और बाकी पाउच में कुछ भी नहीं था गाइस। माइक के साथ इतना सब कुछ था। अब चलिए मैं आपको मतलब ट्राइपॉड दिखाता हूँ। उसके साथ पहले थोड़ी यहाँ पे रख देते हैं और ट्राइपॉड मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे तो ये ट्राइपॉड और ट्राइपॉड के साथ ये गोरिल्ला पॉड भी, इसको मैं मतलब बेंड भी कर सकता हूँ, पूरा मुड़ जाता है। और ये इसका होल्डर है, अभी मैं आपको पूरा बेंड करके दिखाऊंगा कितना अच्छा ये ट्राइपॉड है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, देख सकते हो। ये मतलब हमारा ट्राइपॉड है, देखिए पूरा मुड़ सकता है, इसको मैं मतलब व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। और इसका ये होल्डर है, ये होल्डर इसके ऊपर लग जाता है, बीच में मैं अपने माइक को मतलब मोबाइल को सेट कर दूंगा, फिर मतलब इससे मैं व्लॉगिंग और वीडियो को भी शूट कर सकता हूँ। और ये इसका होल्डर है, ये इसके ऊपर लग जाएगा, अभी मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से ऊपर कुछ को थोड़ा खोलना पड़ता है, इसके बाद मैं इसको थोड़ा अंदर कर दूंगा जिससे यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद मैं ऊपर माइक को भी सेट कर दूंगा, जैसे तो ये माइक है, इसके बाद मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे मैं अभी पॉप फिल्टर भी लगा के आपको दिखाता हूँ, जैसे तो ऐसे मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ इसको। और ये मतलब मैं वीडियो शूट करने के लिए टेक वीडियो को भी इससे शूट कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा पॉप फिल्टर, चलिए इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ये पॉप फिल्टर भी लग चुका है, चलिए इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं। और ऐसी जगह पे टेस्ट करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो, और चलिए इसको देखते हैं कि कितने नॉइज़ को ये कम कर सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा मतलब सेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको ऐसी जगह पे चेक करूँगा इसको जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो। तो गाइस अब बात करते हैं इस माइक की क्वालिटी की। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो सीधा आ रही है हमारे फ़ोन से, सीधा फ़ोन से आ रही है। अब चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम अपने माइक में। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो आ रही सीधा हमारे माइक से। तो आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा होगा कि इस माइक की क्वालिटी कैसी है, आप मुझे बताइएगा। बाकी अब बात करते हैं कि मैंने इस माइक को क्यों ख़रीदा और ट्राइपॉड को क्यों ख़रीदा, क्योंकि ये माइक और ट्राइपॉड काफ़ी महंगा है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए थे। तो ये पैसे मैंने स्पॉन्सरशिप से ख़रीदा है। आपको पता है क्या, कुछ टाइम पहले मुझे एक दो स्पॉन्सरशिप मिली थी, तो उसका पैसा था, और मैंने अपना कुछ पैसा अपना खर्च कर दिया है, क्योंकि क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, ताकि क्वालिटी मतलब अच्छी रहेगी तो चला भी चलता है। तो इसी वजह से मैंने इस माइक को ख़रीद लिया है। और आपको मुझे बताना है कि इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है। बाकी इस वीडियो को मैंने थोड़ा अलग तरीके से शूट किया था, अलग तरीके से, तो आपको कैसी लगी इस वीडियो, ये वाली वीडियो, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो बताइएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्वालिटी कैसी लग रही है बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो बताइएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, सबसे के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।